नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में अब तक 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जाने जा चुकी हैं और इसके बाद लगातार जो है विपक्ष बिहार सरकार पर निशाना साध रहा है, खास करके नीतीश कुमार निशाने पर। उपेंद्र कुशवाहा आज पहुंचे थे मुजफ्फरपुर के SKMCH में और वहां पर उन्होंने मुलाकात की उन तमाम पीड़ित बच्चों के परिजनों से। उनकी हाल उनके उनके उनकी जो स्थिति है उसके बारे में जाना और उसके बाद एक ट्वीट किया है। ट्वीट जो है वो ये है कि उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, उसके साथ लिखते हैं कि मुजफ्फरपुर SKMCH में चमकी बुखार यानी कि AES से पीड़ित बच्चों एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर अस्पताल अधीक्षक से मिलकर समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने की बात की। मरीज बच्चों की स्थिति बेहद गंभीर है। कुछ तस्वीरें साझा की हैं अंदर में, जहां पे इन बच्चों का जो ICU है वहां जहां इलाज चल रहा है वहां कुछ तस्वीरें हैं। वहां के डॉक्टर से बात कर रहे हैं स्थितियों को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे इलाज की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में अब तक 100 के करीब में जो सरकारी आंकड़े हैं उतने मासूम बच्चों की जान जा चुकी है चमकी बुखार की वजह से। और इसके बाद अब एक के बाद एक सरकार के ऊपर हमला बोला जा रहा है कि सरकार ने कोई एहतियातन कदम पहले से क्यों नहीं उठाए जब इस बीमारी ने पांव पसारना शुरू किया। न्यूज फाउंडेशन ने खबर सुबह लगाई थी जिसमें जो केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर में हुई थी बीते रविवार को, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को न्यूज फाउंडेशन ने दिखाया और उसके बाद इसको रिट्वीट किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि लगभग 200 परिवारों का आंगन सूना हो चुका है और हजारों बच्चे काल की गोद में हैं, फिर भी डबल इंजन सरकार सो रही है। अब तो ईश्वर के भरोसे ही बिहार और देश की आस बची है। और ये उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट है। देखिए विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकार लगातार है। पिछले कई सालों से बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के कुछ जिलों में इस तरीके से एक रहस्यमय बीमारी हर साल लगभग इसी महीने में पांव पसारती है, कई बच्चों को काल की गाल मिल जाती है और जिससे हर साल जहां कई ऐसे मासूम बच्चों की मौत होती है और इस मौत का जो आंकड़ा बढ़ता है तो जाहिर तौर पर सियासत भी शुरू हो जाती है। एक के बाद एक पक्ष विपक्ष के नेता वहां पहुंच रहे हैं उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए और निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।